स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, सरदीशान शाह ज़ेडएलसी बजट से बड़ा 30.4 स्टार्ट करने वाले ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस वाले लाजमी आता है। लाजमी का तो नहीं कह सकता, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछली जो प्रीवियस बुक्स थी बेटा, उसके अंदर भी ये ट्रिग्नोमेट्री मौजूद थी, प्रूफ वाली 30.4, और न्यू बुक में भी इन्होंने दी, और फर्स्ट ईयर में मौजूद है ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ वाला सवाल। तो इसको आप अच्छे तरीके से करेंगे मेरे साथ, पूरी सीक्वेंस वीडियो को देखिएगा, और मैं जो अभी आपको फॉर्मुले बताने वाला हूँ बेटा, वो फॉर्मुले आप याद कर लें, ठीक है ना। फॉर्मुले अगर आप वादा कर लें मेरे साथ, फॉर्मुले जैसे आपने पिछली वीडियो जितनी मेरी देखी है और आपने बोला बड़े अच्छे समझ में आया, बेहतरीन समझ में आया, तो बेटा इसमें भी आप वादा कर लें मेरे साथ कि 30.4 के अंदर तमाम फॉर्मुले आपने याद कर लें। पहले सुकून से बैठ के फॉर्मुले आप याद करेंगे, जो भी मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखूंगा, बहुत आसान से फॉर्मूला है। आपको करते करते 6-7 सवाल करेंगे, फॉर्मूला खुद ही याद हो जाएगा। आपने याद करने, याद करने के बाद इंशाल्लाह ताला, जैसे आपकी पिछली एक्सरसाइज पक्की हो चुकी है, इंशाल्लाह ताला मैं वादा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से, ये भी आपकी इससे बड़ी जबरदस्त होने वाली है। गैस पेपर मैंने तैयार कर दी है, वहां से जाके आप गैस पेपर लिखें, शाइन फोर आपके चैनल का नाम है, उसके साथ लिखें और अपने गैस पेपर हासिल कर लें वहां से, तमाम सब्जेक्ट्स वगैरह के, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे बेटा 30.4 के फॉर्मूले लिख रहा हूँ, आप इसको अगर जूम करना है जूम करके देखिएगा, लेकिन अच्छे तरीके से कागज पेंसिल लेकर बेटा बैठे और अच्छे तरीके से वो लिखें, और याद करना जरूरी है, आप उनसे वादा कर लिए। आइए जरा फॉर्मूले वगैरह लिखते हैं 30.4। पहला फॉर्मूला बेटा हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, मेरे साथ साथ आप लिखते जाइए। और नंबर टू फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, जो ऑलरेडी याद हो गए, टेन है तो सेक आया, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। अगर हम थर्ड फॉर्मूले की तरफ जाए तो 1 प्लस हमारा होता है कॉट स्क्वायर थीटा is equal to cosec square theta, तो cot और cosec इनको भी याद रखें थर्ड फॉर्मूले में, कि थर्ड फॉर्मूले क्या हो गया, 1 plus cot square theta बराबर किसके हो गया, cosec square theta के हो गया। नंबर 4 पर आ जाए, ये फॉर्मूला आपने याद करने, अब थोड़ा अपॉन में बात करते, जैसे tan आ गया तो tan का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, sin theta upon cos theta। और अगर नंबर 5 फॉर्मूले की बात कर लें तो 5 के अंदर क्या है, cot theta is equal to c आया, तो यहां पे लिख लें cos थीटा और नीचे साइन थीटा, यानी कि ये इनवर्स हो गया, ये नीचे आ गया और ये वाली वैल्यू ऊपर आ गई। टेन का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस है, तो कॉट का क्या होगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा जी, अगर हम नंबर 6 की तरफ जाए, साइन थीटा, तो साइन थीटा 1 अपॉन एस आया, तो ये हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। और नंबर 7 पे जाते हैं अगर, तो कॉस थीटा की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो कॉस थीटा 1 अपॉन ये सेक थीटा हो जाएगा। और नंबर 8 की अगर आपसे बात की जाए, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा हो गया। ये छोटे छोटे फॉर्मूले अगर आप याद करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी आसानी होगी। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो गौर से सुनिएगा, नंबर 6 से आए। अब नंबर 6 में देखिए, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा है ना, तो इसको अगर मैं उल्टा करता हूँ, जैसे ये cosec थीटा है, तो cosec थीटा किसके बराबर होगा, सोचें इसी को कन्वर्ट कर ले तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि इससे मैंने एक और फॉर्मूला निकाल दिया कि साइन थीटा अगर 1 अपॉन कॉसेक का है, तो कॉसेक किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन साइन की हो जाएगा। एक और निकालते हैं, बताइए यहाँ का फॉर्मूला बनाना चाहिए, अगर मैं सेक को इधर ले आऊं, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये मजीद हमारे फॉर्मूले आ गए। अब ये सारे अगर फॉर्मूले आप लोग याद कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये ज्यादा मुश्किल फॉर्मूले नहीं है। ये आपको लग रहे मुश्किल होंगे, हाँ ये सबने इतने ज्यादा क्या लिखवा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले आपको जब आपको याद हो जाएंगे तो आसानी आप इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। आए हम जरा नंबर 1 को करते हैं, मैं आपको बता दूं, ट्रिक भी बता दूं कि स्टार्ट कैसे लेना है आपको सवाल में। आए नंबर 1 को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, सवाल को स्टार्ट करने से पहले बेटा दो बातें आप ध्यान में रखिएगा इसको प्रूफ करने के लिए, जो मैं आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहले आपने काम करना है जो साइड मुश्किल होगी ना, यानी कि वो लिखना है आप, जो डिफिकल्ट साइड होगी, जो लेंथ जिसकी ज्यादा होगी, डिफिकल्ट होगी, तो डिफिकल्ट स्पेलिंग शायद मैंने गलत कर दी, डिफिकल्ट की एल टी आ गई है, ठीक है। जो साइड डिफिकल्ट होगी या फिर उसकी लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है ना, जिसमें ज्यादा आइडेंटिटीज लगी हुई होंगी, आपने उसको लेना है पहले सॉल्व करने के लिए। यानी कि दो साइड होंगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड होगी, तो आपने कौन सी वाली साइड लेनी है, आपने वो साइड लेनी है जो डिफिकल्ट हो, बहुत ज्यादा आपको मुश्किल लग रही हो, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो। कैसे, अभी मैं आपको परफॉर्म यहाँ करके दिखाऊंगा, या आपको बस ये आप पॉइंट लिख लें अपने पास, ठीक है, भूलिएगा मत लिखना, इसको लिख लें। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो है ना, और एक दूसरा पॉइंट भी याद रख लें, नॉर्मल ना साइन और कॉस जो है ना ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं, जब ये दोनों साइन और कॉस वाली साइड जो है ना, जब ये ज्यादा तादाद में पाए जा रहे हो, इस राइट हैंड साइड पे साइन और कॉस ज्यादा तादाद में पाए जा रहे हैं, तो वो साइड आप मत लीजिएगा, ठीक है। तो दो साइड आ गई हमारी, क्या आपने सुना कि साइन और कॉस जिस साइड पे ज्यादा होंगे आपने वो साइड नहीं लेनी, आपने उसकी बरक्स दूसरी लेनी है। क्या कहा मैंने, सारा आया उसको जरा मैं सॉल्व करके बताता हूं।
तो ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आपके सामने आ गए, ठीक है, और ये दो बातें आ गई, ठीक है। अब देखिए मैं इसको परफॉर्म करता हूँ, ये सवाल है आपकी क्वेश्चन नंबर वन, इंशाल्लाह ताला सारे सवाल सॉल्व करेंगे। अच्छा ये सवाल है, हम खुद देखेंगे, ये कौन सी साइड है, ये लेफ्ट साइड है, और ये वाली साइड कहलाती है राइट साइड कहलाती है, ठीक है। मैं पहली बारे में लिख देता हूँ ताकि आप इज इक्वल टू के बाद वाली राइट है, इज इक्वल टू पहले वाली लेफ्ट हो गई, ठीक है, ये हटा दिए ताकि आप जो है इसको लिख मत दीजिएगा। ये हो गई दो साइड। अच्छा अब ये दो साइड हो गई, तो इसमें से देखें ये साइड भी क्या है, ये आसान लग रही है और छोटी लग रही है, डिफिकल्ट नहीं लग रही है, इसके अंदर क्या ज्यादा नहीं है चीज है, यहाँ देखें यहाँ पे बहुत सारी चीज है, इसकी कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा आइडेंटिटीज लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा चीजें नजर आ रही है मुझको, तो मैं ये वाली चीज को पहले लिख दूंगा, ये पॉइंट अपना याद रख ले जहन में, ठीक है, इसको करने से आसानी पैदा होगी। अच्छा जी ये होगी बात। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब मैंने यहाँ कुछ फॉर्मुले लिखे, ये जो यहाँ फॉर्मुले थे इनमें से मैंने चंद फॉर्मुले यहाँ लिखे आपकी आसानी के लिए। अब देखें ये जो चीज मैंने यहाँ लिखी, अब आप मुझे खुद बताएं, अभी आपने वादा किया हुआ है, आपने वादा किया हुआ है, क्या किया हुआ, sec square theta बताओ किसके बराबर, फिंगर टिप्स पे याद होगा तो मजा आएगा, पॉज कर दो वीडियो को, फॉर्मूला याद कर लो, मजा ना आए तो फिर पैसे वापस। सुनो sec square theta बताओ, sec square theta किसके बराबर है हमारा, यहाँ देखो sec square theta minus one, sec square theta minus one, आ रहे समझ में, ये देखो और ये देखो दोनों सेम है, तो बताओ इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ये किसके बराबर है, tan square theta के, तो इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, tan square theta लिख दिया, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, बाहर कौन रह पड़े हुए, वो सो रहे हैं जनाब cos theta square के साथ, ठीक है जी, ये जरा आप बोल रहे हैं ठीक है भाई करो जो भी तुमने ब्रैकेट के अंदर करना है कर दिया भाई, ओहो tan square theta भाई सर याद में क्या है, फॉर्मूला फॉर्मूला, हाँ tan square theta बताओ किसके बराबर है, ये लिख दिया tan square theta, जब अच्छा यहाँ पे tan square theta बराबर किसके, sin square theta upon cos square theta के, तो tan square theta की जगह क्या आएगा, sin square theta upon cos square theta, फॉर्मूला फिर फॉर्मूला खोला, फिर अगर फॉर्मूला लग रहा है तो फिर फॉर्मूला खोला, ये गेम है बस बच्चों वाला ही, छह सात सवाल करोगे अभी मेरे साथ इंशाल्लाह भी हाथ तेज हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा जी यहाँ बराबर में कौन है, बराबर में जनाब बैठे हुए हैं cos square theta, अच्छा ये theta बुक से देख के सही से बना लीजिएगा, अच्छा ये आ गई बात। अब मुझे बताएंगे ऊपर ऊपर दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर नीचे कौन हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो cos square theta और ये वाला cos square theta आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जब ये कैंसिल हो गए तो बेचारा इकलौता कौन बचा, sin square theta बचा, और हमें किसके बराबर लाना था, sin square theta, तो ये हमारी क्या हो गई बेटा, प्रूव हो गया, कितना आसान आसान है कि नहीं है, आराम से तुम एग्जाम में नंबर मिलेंगे। तो क्या फॉर्मूला याद है, कितना बस फॉर्मूला लगा रहे हो, छोटी सी मेहनतानी चाहिए भाई, ऊपर ऊपर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर नीचे क्या होंगे, डिवाइड होंगे, सेम होगा तो कैंसिल कर देना। अब नंबर टू में आपको और काम की बात बताता हूं जरा, तो सर नंबर टू देखें कितना आसान है, कितना इजी, ये साइड है इज इक्वल टू ये वाली साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अब आप खुद सोचें ये दो बातें मैंने लिखी है, टेक डिफिकल्ट लाइन, डिफिकल्ट वाली लाइन या जिसकी लेंथ ज्यादा हो, सर या तो लेंथ दोनों की बराबर लग रही है, हाँ भाई डिफिकल्ट भी दोनों बराबर लग रही है, तो भाई एक और तो पढ़ो जिसमें क्या बोला था मैं, साइन और कॉस ज्यादा तादाद में पाए जाएं वो नहीं लेनी, ये ट्रिक है, आई हमें मैं तो यहाँ पे साइन और कॉस ज्यादा पाए जा रहे हैं और यहाँ तो है ही नहीं, तो इसका मतलब कौन सी लूंगा, राइट हैंड साइड लूंगा, हो गई बात, ये पॉइंट अपने ज़हन में रखो आसानी के, तो ये ट्रिक थोड़ी सी जो आपको कॉन्सेप्ट से वो आपको आसानी पैदा करेंगे। तो मैंने लिख दी बेटा यहाँ पर tan थीटा प्लस sec थीटा, अच्छा tan के ऊपर स्क्वायर है नहीं है तो हम स्क्वायर इसकी वैल्यूज आईडी में भी नहीं लगाएंगे, जैसे tan थीटा है तो मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो मैं स्क्वायर लगा देता, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ अगर आपका स्क्वायर सवाल में दिया हुआ है तो फॉर्मूले में आप स्क्वायर खुद लगा लीजिएगा, अगर स्क्वायर नहीं लगा हुआ तो आप मत लगाइएगा, आप आजाद होते तीन चार सवाल करने का, तो आप देखिएगा जो आपको बात समझाना चाह रहा हूँ। अब tan थीटा मिसाल के तौर पर tan स्क्वायर थीटा होता तो मैं tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या लगाता, ये लगा देता, खुद ही चेंज कर लिया मैंने, कर लेता कि कोई टेंशन वाली बात नहीं, दोनों बुक में अलाउ करी हुई है, ठीक है ना। अच्छा फिलहाल तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, उसको तो फॉर्मूला है ना, वो तो ऐसे साइड में मैंने आपके दो फॉर्मूले लिख दिए जो इस सवाल में इस्तेमाल होंगे, इन्हीं में से निकालकर मैंने वो दो वहां लिख दिए, ठीक है, उसकी टेंशन ना लीजिएगा, एक्स्ट्रा है सोल्यूशन यहाँ। अब tan थीटा बताओ किसके बराबर है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, सर स्क्वायर डाले ना, स्क्वायर नहीं डालेगा, क्यों, सवाल में tan पे बस स्क्वायर नहीं है तो उसके फॉर्मूले में भी स्क्वायर नहीं डालेंगे, स्क्वायर यहां था तो दोनों में डल गया, यहां नहीं है तो दोनों में नहीं डलेगा, ये बात भी ध्यान में रखें, बहुत बच्चे परेशान रहते हैं। अच्छा जी sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, भी हमने याद किया था 1 upon cos थीटा, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले यहां नजर आ रहे होंगे, इन्हीं में से उठा के मैंने दो लिखे थे। अब आइए हम देखें, जब फ्रैक्शन हो जाए, जैसे ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है, जिसके बच्चों के एलसीएम कमजोर है, ये 9th क्लास में तो पढ़ा हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर कमजोर है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई, उस आप YouTube पे सर्च कीजिएगा जिशान इन्फो फ्रैक्शन, तो उसके अंदर मैंने बड़े जबरदस्त पढ़ाई हुई है, एक छोटी सी वीडियो है लेकिन बड़े जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिए हैं आपको, ये एलसीएम वाला मसला खत्म हो जाएगा फ्रैक्शन वाला, ठीक है। बारह में आपको समझाता हूँ, जब दोनों
ये cos थीटा और cos थीटा डेनोमिनेटर सेम है तो उनको एक दफा लिख देंगे। अभी तो शॉर्टकट क्योंकि ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहते हम, तो शॉर्ट cos theta सेम है लिख दिया। अच्छा जब डिफरेंट होंगे तो क्या करना है, जब आएगा तब बता दूंगा, वो भी आसान है, उन दोनों को लिख लिया जाता है, टेंशन नहीं। तो cos theta एक बार लिखा, कोई स्क्वायर स्क्वायर मत डाल लेना, दो को कुछ नहीं, टू को कुछ नहीं लिख देना, ओके। अब सुनो गौर से, अब इसको फोकस करो, इसको फोकस करो, cos और ये cos दोनों एक जैसे, इनका मुकाबला कराओ, दोनों बढ़ जाएंगे, खत्म खत्म, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो याद रखना मैथ में कुछ नहीं बचा को कहते हैं वन कहते हैं, यानी कि अभी क्या है वन आया, ठीक है, यहां तक क्या मतलब cos theta से cos theta क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पर करना नहीं ब्रेन में है, हाइपोथेटिकल करना है, बस इमेजिन करके करना है, कैंसिल कर मत देना ऐसे पेंसिल या पेन से, ठीक है। cos theta से cos theta कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, वन आ गया। अब ये वन को लेके जाओ ऊपर, जो कुछ है ऊपर, ऊपर कौन है sin theta है, उससे मल्टीप्लाई करो, वन को sin theta से मल्टीप्लाई करोगे, देखो वन से जो भी मल्टीप्लाई होता है वो सेम आ जाता है, वन को sin theta से कराओ तो sin theta आ जाएगा, तो ये साइड कंप्लीट हो गया। अब आओ जरा उस वाली साइड पे, जो साइन है उसको एज इट इज लिख दो। अब सुनो ये cos theta है, ये cos theta मुकाबला हुआ, मारे गए दोनों, मर गए, क्या बचा वन, किससे मल्टीप्लाई होगा, जैसे ये ऊपर गया था यहां से ये ऊपर जाएगा, ऊपर कौन है वन, तो वन वन सा क्या हो गया वन ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सुनो क्या प्रूफ हो गया, सर प्रूफ लग रहा तो है मगर लग नहीं रहा, हाँ भाई यही तो मजा है मैथ पे, देखो भाई वन किसका है प्लस का, साइन किसका है प्लस का, यहाँ पे वन किसका है प्लस का, साइन किसका है प्लस का, यानी कि इस साइन से पहले क्या, साइन से पहले क्या नजर आ रहा है, साइन प्लस का, वन से पहले आपको पता है मैथ पता है कुछ ना हो तो क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पर भी वन किसका है प्लस का हो गया, साइन थीटा किसका कुछ ना हो तो प्लस का, तो ये जो सिक्वेंस चेंज आ रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको और करके भी ऐसे लिख सकते हैं, वन को पहले और साइन थीटा को बाद में cos theta, वैसे तो जरूरत नहीं है आपको वाला स्टेप करने की, लेकिन मैंने कर दी कि आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो, तो दिस इज अवर आंसर, ये हमारा क्या हो गया बेटा प्रूव हो गया। देखिए कितने चंद स्टेप में आपका सॉल्व हो गया, नहीं हो गया, किससे हुआ, किससे हो, फॉर्मूले से, चाय पियो मजे करो और मजे से फॉर्मूले लगाते जाओ और सॉल्व करते जाओ। और नंबर थ्री में एक काम की बात और बताता हूँ, आए अब मजे करते हैं नंबर थर्ड की तरफ, ठीक है, आए पता कौन से लेंगे, सर इसमें तो tan theta सिंगल है, भाई सिंगल का क्या करोगे, तो सॉल्व करना मुश्किल पड़ जाएगा, कौन सी लेनी, डिफिकल्ट लेनी है जिसकी लेंथ क्या हो ज्यादा हो, तो भाई लेंथ किसकी है, इसकी ज्यादा, अच्छा सर तो साइन भी मौजूद है, टेंशन ना लो, जिसकी लेंथ ज्यादा हो पहले वो देख रहे हैं, ठीक है, क्या बोला मैंने, जिसकी लेंथ ज्यादा वो ले लेना, साइन और कॉस बाद में देखना, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर टू में समझाया था, अच्छा तो हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड, क्यों ले ली, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, तो ज्यादा लेंथ वाली हो या डिफिकल्ट हो वो लेनी है, अच्छा ये दोनों आ गए, सर क्या करें, फॉर्मुला याद है ना, हाँ बताओ 1 plus 10 square theta का, मेरे सवाल की फॉर्मुला लिखे बताओ 1 plus 10 square theta किसके बराबर होता है, हाँ सर याद आया सर, हाँ भाई कॉपी पलट क्यों नहीं देख रहे, याद कर लिए ना, ठीक है बताओ 1 plus 10 square theta किसके बराबर हो गया, sec square theta के, कुछ भी नहीं है, आराम से बस फॉर्मुले लगाते हैं सॉल्व करते हैं, फॉर्मुले लगाते हैं सॉल्व करते हैं, बस फॉर्मुले का गेम है, तो 1 plus 10 square theta किसके बराबर हो गया, sec square theta के बराबर हो गया, क्या आपको मालूम है रूट की वैल्यू क्या होती है, रूट की वैल्यू क्या होती है 2, यानी कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, बिल्कुल जिसको नहीं मालूम वो याद कर ले, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, जब कैंसिल हो गया तो एक ब्रैकेट डालकर हम लिख देंगे sec थीटा, ठीक है याद रहेगा, ये ऐसे ब्रैकेट डाल दिया जाता है। अब बताओ साइन और sec, अच्छा जी प्रूफ क्या करना है, मुझे टेन लाना है, अच्छा जी टेन लाना है, तो एक काम और करता हूँ, sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos होता है, तो 1/ cos थीटा डाल दो, ये एंगल होते हैं थीटा वगैरह, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बेटर इस्तेमाल होती है, ये इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होती है, जैसे कोई पुल ब्रिज होता है उसकी हाइट वगैरह मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है, कोई ब्रिज है कोई बिल्डिंग है उसकी हाइट इंजीनियर वगैरह इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, खैर जब आप इंजीनियर इंशाल्लाह बनेंगे तो तब आपको पता लगेगा इसके फॉर्मूले लगाते हैं कैसे, उसके बाद एपरेटस होते हैं उसके अंदर फॉर्मूले फिक्स हुए हुए होते हैं, अच्छा जी अब मुझे बताएं ये मुझे क्या चाहिए टेन चाहिए, पता है टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, अगर ऊपर साइन हो नीचे कॉस हो दोनों ऐसे हो तो किसके बराबर लिख सकते हो टेन के, हाँ भाई कुछ लग रहा है, साइन को वन से मल्टीप्लाई कराना जरा, साइन वन जरा साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस किसके बराबर है, साइन अपॉन कॉस बराबर है टेन के, सर ये तो प्रूव हो गया, इतना आसान था, यस सर आसान है, अभी तो आसानी शुरू होने वाली है, तो दो चार सवाल होने दो, तो ये आगे नंबर थर्ड, आए नंबर फोर को करते हैं, उसके अंदर और काम की बात को सीखेंगे, तो बेटा नंबर फोर में आ जाते हैं, ठीक है नंबर फोर में कौन सी प्लेन बता, नंबर फोर में सर आपने तो cos और sin यहाँ पे भी है यहाँ पर भी है दोनों बराबर, डिफिकल्ट कौन सी, लेंथ किसकी ज्यादा है, लेंथ बताओ, फोर बड़ा होता है या टू बड़े होते हैं, फोर बड़े होते हैं लेंथ बड़ी हो गई वो ले लो ये हुई ना बात ले लो, अच्छा जी तो राइट हैंड साइड हमने इसलिए ले ली क्योंकि इसकी पावर फोर बड़ी थी उसकी पावर टू टू कम थी, इस वजह से हमने राइट हैंड साइड को ले लिया, ओके जो ज्यादा डिफिकल्ट है जो ज्यादा लेंथ में है जो ज्यादा पावर में उसको पहले ले लिया, यही बात, अच्छा जी अब तो यहाँ पे क्या था फोर और फोर डले में,
आपको पता है कि बेटा अगर यहाँ पर मैं इसको ब्रेक करूं टू और टू जा क्या हो जाते हैं, फोर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, टू टू जा फोर हो जाते हैं। तो इसको मैंने क्या कर दिया बेटा, पहले टू टू जा फोर। अब सर आपने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। अगर मैं इस पे फॉर्मूला लगाऊं तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने इसको क्या करा, पहले वैल्यू को रिड्यूस करा, स्क्वायर में लाया, ऊपर के आगे दोनों पे स्क्वायर आ गए। अब बताओ अगर मैं आपको कहूँ कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ए के, और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, बी के। तो इसका मतलब है ये पूरा किसके बराबर है, ए के है, ये रहा ए, यानी कि ए स्क्वायर और ये किसके बराबर है, बी के, तो ये बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो मैं इसकी जगह फॉर्मूला लगाने वाला हूं, क्या ये लिख रहा हूं, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी हो गया, ये ए है, ए प्लस बी, फिर दोबारा ए माइनस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने 9 में पढ़ा होगा, ये वाला बड़ा मशहूर फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, पहले प्लस के लिखे या माइनस का पहले लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट लास्ट मैंने प्लस का पहले लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए किसके बराबर है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा के। पहले वाली वैल्यू को ए कहते हैं, बाद वाली ब्रैकेट को बी कहते हैं, पहला ब्रैकेट क्या कहलाता है, ए, बाद वाला क्या कहलाता है, बी। तो जहां जहां ए था यहाँ पे ए था, इसकी जगह क्या गया, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या था, बी था, इसकी जगह क्या गया, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है, ए है, ए की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, ये बी है, बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि पहली वाली ब्रैकेट को मैंने ए माना हुआ है, बाद वाले को बी, याद आ गया होगा। अब मुझे बताओ फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, मैंने लिख भी दिया वाला फॉर्मूला, देखो सेपरेट कर दिया, बताओ ये दोनों को, ये देखो, अच्छा ये इसको फ्लिप भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन स्क्वायर थीटा बाद में है और कॉस स्क्वायर थीटा पहले है, यहाँ पे क्या है, साइन पहले कॉस बाद में, या साइन बाद में कॉस पहले, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, अभी एग्जाम में बैठ के देखते रहे यार, हमने तो कुछ सारी चीज क्लियर हो रही है। तो ये बेटा ये किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट में डाल दो। अच्छा जी सर प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ ना देखते हैं कुछ देखते हैं, यहाँ पे दाना किसके बराबर है, माइनस के दाना है, ये माइनस वाला नजर आ रही है, दोनों ये देख रहे हो, कोई स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई स्क्वायर थीटा माइनस साइन, वो बराबर हो गया। इस दोनों ब्रैकेट को वन से मल्टीप्लाई कराओ तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि वन से जब भी कोई मल्टीप्लाई कराते हैं वन तो भी ज्यादा शर्माता है, बोलता है जो हो वही रहो, मुझे क्या करना। तो कोई स्क्वायर थीटा वन जा कोई स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा वन जा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक और प्रूफ आ गया। हाँ मजा आओ नंबर फाइव की तरफ, और बता। अच्छा बेटा नंबर फाइव में कौन सी साइड लें, ये तो देखें छोटी सी नन्नी मुन्नी सी, इसको तो छोड़ दें, तो ये साइड लेंगे, साइन और कॉस तो यहाँ ज्यादा है, मगर साइड की लेंथ किसकी ज्यादा है, राइट वाले की, तो राइट ले लेते हैं। अच्छा पिछले वाले साल में मैंने एल ये लिखना भूल गया था, एल यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा नंबर फोर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा इसको। अच्छा जी तो इस सवाल को उठा लें, यहाँ लिख लें साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एज इट इज पूरा राइट हैंड साइड लिख दी, वजह मैंने आपको बता दी लिखने की। अच्छा जी अब मैंने यहाँ दो फॉर्मूले लिखे, इसको भी आप गौर कीजिएगा, फिलहाल तो मैं साइन थीटा ऐसे लिखता हूँ। मुझे बताएं कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, देखें कॉस स्क्वायर थीटा हमने याद करा हुआ है, कॉस थीटा किसके बराबर था, वन अपॉन सेक के था, ठीक है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की अगर मैं बात करूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अगर आप फिंगर टिप से फॉर्मूला याद करे हुए हैं तो आप देख रहे होंगे कि तो समझ में आएगा, मैंने इसके फॉर्मूला लिख दिया। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ वन माइनस साइन थीटा, स्क्वायर भी आएगा क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, ठीक है जी, हो गई बात। अब ये जो साइन थीटा है इन दोनों से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है भाई, साइन थीटा बन जा ये हो गया साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन और साइन, अच्छा इसका इसकी पावर कितनी है दो और इसी कितनी है एक, तो टू और वन कितने हो गए थ्री हो, ठीक है जी। अच्छा ये साइन थीटा किसका बेटा, कुछ ना हो तो प्लस होता है और ये किसका है माइनस का, साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन क्यूब थीटा, बताओ प्रूफ क्या करना था, हाँ सर प्रूफ तो साइन क्यूब थीटा करना था और ये रहा, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा एक और प्रूफ ढा गया। आई को बड़े बात आई नंबर सिक्स की तरफ। अच्छा नंबर सिक्स जो है वो मॉडल पेपर में आया था, ठीक है, तो मॉडल पेपर में आया तो यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो उसको जरा तवज्जो से करिएगा, टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा मैंने लिख दिया। अब जरा सुने, दोनों साइड मौजूद है, ये राइट है ये लेफ्ट है, लेफ्ट साइड मुझे मुश्किल लग रही है क्योंकि रूट हमेशा बच्चों को मुश्किल लगता है, तो ये डिफिकल्ट साइड है, तो मैंने क्या करा है डिफिकल्ट साइड को ले लिया, क्योंकि साइन और कॉस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो इक्वल लग रहा था, तो डिफिकल्ट ज्यादा हो इसमें लेंथ ज्यादा हो वो ले लेते हैं, तो रूट की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट था, तो मैंने वाली साइड ले ली, ठीक है, ये तो हो गया। अब मुझे बताएं ये वाला कोई फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े कि 1 + cos थीटा किसी के बराबर है, ये सारे के सारे आप फॉर्मूले को गौर से ज़ूम करके देख लें कि 1 + cos थीटा किसी के बराबर है, तो आप बोलेंगे नहीं सर यहाँ तो ऐसा कोई फॉर्मूला आपने लिखवाया नहीं है, यानी कि 1 + cos थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 - cos थीटा का कोई फॉर्मूला
नहीं। अच्छा अब क्या करना है, एक बड़ा मसला आ गया, जब इस तरह कंडीशन आ जाए, फॉर्मूला नहीं है, रूट में हो और ऊपर नीचे डबल वैल्यू, जैसे 1 प्लस cos थीटा टू वैल्यूज है, जॉइंट डिग्रीज है, 1 अलग है माइनस cos थीटा, इस तरह की फॉर्म आ जाए तो आपने 9 क्लास में पढ़ा था कॉन्जुगेट करते हैं, क्या करते हैं कॉन्जुगेट, वो क्या होता है यानी जो नीचे वैल्यूज होती है, याद होगा आपको 9 क्लास पे कि जो नीचे वैल्यू होती है 1 माइनस cos थीटा, उसको हमने क्या करना है, एक दफा ऊपर लिख देना है और एक दफा नीचे लिख देना है, रूट बढ़ा दो पूरे में, क्या लिख देना है, एक दफा ऊपर और एक दफा नीचे लिख देना है, कैसे जरा गौर सुनेगा, मल्टीप्लाई करा देंगे, डिवाइड करा देंगे नीचे वाली वैल्यू को, याद कर लेंगे किस वैल्यू को, नीचे वाली वैल्यू को, तो हमें रूट के साथ थी, तो ये रूट में ना 1 माइनस cos थीटा, तो रूट के साथ रखिएगा इसको, तो हमने क्या करा इसको मल्टीप्लाई करा दिया किससे, अब जरा गौर सुने, ये पूरा एज इट इज आ गया, गौर करें सुकून से, हो गया, एक मल्टीप्लाई डालेंगे और जो 1 माइनस cos थीटा है उसको हमने यहां लिखा और उसी को बिल्कुल एज इट इज यहां लिख दिया, ठीक है, दो बार लिख दिया, मल्टीप्लाई कराना था, ये इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इससे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना था, इसको कराना था तो मैंने इसको यहां लिखा और यहां लिखा, कितनी बार लिखा, दो बार लिखा, साइन कौन सी ली, माइनस, माइनस क्यों ली, नीचे माइनस है तो नीचे वाली वैल्यू को दो बार लिखते, ऊपर वाले को नहीं लिखते, ठीक है, तो नीचे वाली मैंने उठा के लिख दी, तो माइनस वाला मैंने इसलिए लिया, प्लस वाला इसलिए नहीं लिया, याद है बात समझ में आ गई, इसको कॉन्जुगेट कहते हैं, 9 क्लास के अंदर आपको मैंने बड़ी डिटेल से बात पढ़ाई हुई कॉन्जुगेट की। अच्छा जी अब सुने, अब ये जो देखें, जब मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये भी रूट में 1 प्लस cos थीटा और ये भी 1 माइनस cos थीटा रूट में और बीच में कौन है मल्टीप्लाई, तो आप इसको क्या करेंगे, एक बड़ा रूट डालें और दोनों को एक साथ लिख लें, ये हमने क्लास टाइम के अंदर इस बात को भी डिटेल से पढ़ा हुआ है, तो ये भी इसके अंदर आ गया रूट और ये भी आ गया, दोनों एक ही रूट के अंदर कर दिए, ताकि थोड़ी सी कंजेशन बहुत हो गई थी, यानी कि यार डिफिकल्ट लग रहा था, हमने क्या कर उसको एक जगह कर लिया। अच्छा नीचे भी आ जाए, नीचे नीचे वालों को भी कर ले, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, अरे सर आपने एक बार लिखा, हाँ क्यों, यहां दोनों की साइन क्या है सेम है, तो जब सेम है वैल्यू सेम है पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा एक बार लिखकर मैंने क्या डाल दिया, पावर ऐड करा दी, ठीक है, ये ऐड हो गए, फिर ऊपर क्यों नहीं किया, ऊपर ये प्लस में है और ये किस पे माइनस पे, तो इन दोनों की पावर ऐड इसलिए नहीं हुई, तो अलग अलग लिखा जाएगा, यहां तक भी क्लियर हो गए। अब आगे सुने, एक फॉर्मूला आपने याद करा, a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी कि ये दोनों ब्रैकेट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, इसी तरह से मैंने क्या करा स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है पहली वैल्यू क्या कहलाती है a, बाद वाली b, पहली वाली क्या कहलाती है a, बाद वाली b, तो फॉर्मूला क्या बना, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये दोनों किसमें बंद हो गए, यहाँ आ गए किसमें, 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऊपर ऊपर देखिएगा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, इसको मैंने किसमें फॉर्मूले बंद कर दिया, ठीक है, नीचे जरा देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर, नीचे नीचे वाले को मैंने नहीं छेड़ा, ठीक है, नीचे एज इट इज है, अब फिर मैं कहता हूं a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और इसका दूसरा तरीका भी होता है, अगर फॉर्मूले कंफ्यूजन हो रही है तो आप क्या करें, 1 कितनी बार है, दो बार है, तो 1 लिखा ऊपर स्क्वायर डाल दिया, तरीका याद कर लिया अगर आपको फॉर्मूले में कंफ्यूजन रहती है, और दूसरा प्लस माइनस, ये माइनस आ गया, कॉस और कॉस कितने, दो है, तो कॉस के ऊपर क्या डाल दिया हमने, स्क्वायर डाल दिया, तो दोनों तरीके मैंने बता दिए, अगर आप फॉर्मूले के तहत करना चाहते तब भी आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करा के करना है तो तब भी आएगा, और नीचे वाली चीज अभी हमने फिलहाल ऐसे ही लिख दी। अच्छा जी अब बात है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, माइनस हो गया, कॉस के ऊपर स्क्वायर है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे वाला फिर दोबारा हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है जी, अब जरा आगे चलते हैं, ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, याद कर ले, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, तो 1 माइनस ये फॉर्मूला ये फिंगर टिप से याद है ना, हाँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या डाल दिया, साइन स्क्वायर थीटा डाल दिया, ठीक है, सुकून से देखो नीचे कौन है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वो मैंने एज इट इज लिख दिया, नीचे मैंने अभी तक डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ ऊपर काम किया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के। अच्छा अब साइन के ऊपर भी स्क्वायर है और इस ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर है, तो एक काम करते एक मैंने राउंड ब्रैकेट दोनों पे डाला और दोनों के स्क्वायर यहां से हटा के मैंने एक ऊपर डाल दिया स्क्वायर। अब क्यों डाला, इसलिए डाला ताकि इस पूरे स्क्वायर से रूट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, जब कैंसिल होगा तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे और जो हम देख रहे हैं सवाल में वो हमारा क्या हो जाना है, प्रूव हो जाना है, साइन अपॉन 1 माइनस cos, तो ये बेटा एक और हमारा प्रूव हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस खूब कीजिएगा, आई नंबर 7 की तरफ। अच्छा जी स्टूडेंट आप 7 के अंदर देखें कौन सी साइड लेनी, अब आपको अंदाजा हो रहा है, सोचें कौन सी साइड लेंगे, हाँ याद आया इसमें रूट लगा हुआ है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है ना, ज्यादा मुश्किल है ज्यादा डिफिकल्ट है, ओके। अब हमने करना है क्या, sec थीटा प्लस 1, अच्छा जी sec थीटा प्लस 1 सर इसका कोई फॉर्मूला नहीं है और नीचे भी sec थीटा माइनस 1 है और रूट में डला हुआ है, तो इसमें क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है, यानी कि हमने क्या करना है मल्टीप्लाई एंड डिविजन करनी है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। अच्छा जी अब करें किसको, देखिए अब बड़ा जोर और सुनिएगा बात को, नीचे ऊपर मुझे प्रूफ क्या करना है, sec थीटा प्लस 1, कोशिश एक चीज और याद रखें, जो चीज प्रूफ करनी हो ना वो सवाल में मौजूद हो तो उसको मत छेड़ें, ये बात कहीं लिख लें अपने बात, जो चीज
मौजूद हो लेकिन एज इट इज दी भी है तो कुछ करें उसको मत छेड़े, ठीक है जी। अच्छा एक बात हो गई, तो इसका मतलब है मैं इसको अगर कॉन्जुगेट कर दूं रूट sec थीटा प्लस वन तो ये गायब नहीं होगा, कैसे अब जरा गौर सुने, या आ गया sec थीटा प्लस वन अपॉन sec थीटा माइनस वन, ठीक है ये तो यहां हो गया और मल्टीप्लाई डाल दिया, यहां हो गया ये हो गया sec थीटा प्लस वन और नीचे भी sec थीटा और प्लस का वन। इस दफा मैंने ऊपर वाले को दो बार लिखा है, पिछले बार में नीचे वाले को दो बार लिखा था, ठीक है। तो ये आपको अलाव होता है कि आप ऊपर वाले को कर ले दो दफा या नीचे वाले को कर ले। मैंने ऊपर वाले को इस सवाल में क्यों करा, क्योंकि मुझे अभी प्लस नजर आ रहा था, मैं नहीं चाह रहा इसको गायब करना, मैं चाह रहा हूँ सवाल में ये कायम रहे, ये ना बदल जाए, तो जिंदा रखने के लिए मैंने इसी को कर लिया। बाकी आपको बता चुका ऊपर ऊपर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा एक रूट मैंने पिछले वाले में डाला था, अब आप दो डालने कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर जैसे आप एक ही रूट डालना है तो डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर चीज पता होनी चाहिए। ऐसे करना तो ऐसे भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी sec थीटा प्लस वन, sec थीटा प्लस वन क्या हो गया, अच्छा जी इसको लिख लें sec थीटा प्लस वन, दूसरा भी क्या है sec थीटा प्लस वन। अच्छा sec थीटा प्लस वन, sec थीटा प्लस वन, तो बेटा ये दोनों की पावर से तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। नीचे आ जाए sec थीटा माइनस वन और sec थीटा प्लस वन, ये तो प्लस नहीं हो पाएंगे, इसके अंदर क्या लग रहा है फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला कैसे लगता है याद आया, sec और sec कितने बराबर है दो, तो ये sec थीटा आ गया स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और वन कितनी बार है दो है, एक बार एक बार दो है, ये फॉर्मूले की लास्ट से लिखा है मैंने, ठीक है फॉर्मूले की लास्ट से कर लेना या इस तरह से कर लो तुम्हारी मर्जी, आसानी जो तुम्हें लग रही हो। अच्छा जी यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, ठीक है ना, थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया और sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसको हम खोल लेते हैं, काम करते हैं sec थीटा प्लस वन का स्क्वायर, स्क्वायर जीरो रखा नीचे के, इसको खोल लें आप sec स्क्वायर थीटा माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, ये वन ही होगा, ठीक है बेटा ये हो गया। अच्छा जी अब क्या है कि इसको हमने sec थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर एज इट इज लिखा और sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के, देखें इसकी जो हमने क्या डाल दी tan स्क्वायर, ये थीटा आ गया, इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर, याद रखिए दोनों पर अगर स्क्वायर है तो मैं एक राउंड ब्रैकेट डालकर इसको लिख सकता हूँ, और क्यों कर सकता हूँ क्योंकि मुझे प्रूव करने के लिए रूट नहीं चाहिए और इसके अंदर रूट मुझे जरा बुरा सा लग रहा है, आपको लग रहा होगा ना, तो उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे होल ब्रैकेट स्क्वायर लगा देते हैं, कैसे sec थीटा प्लस वन और अंडर रूट टेन, तो लिख लेते हो एक काम करते हो sec थीटा प्लस वन और एक अपॉन नीचे पर टेन थीटा, दोनों का उठाकर स्क्वायर मैंने ऊपर लगा दिया दोनों के साथ, इससे क्या फायदा हुआ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और sec थीटा प्लस वन अपॉन tan थीटा क्या हमारा प्रूव हो गया, तो ये हमारा प्रूव हो गया। देखिए सिर्फ फॉर्मूले, बाकी तो छोटी सी मैथ है ना जो नाइन क्लास में पढ़ते वाले वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई करा रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूले का गेम है, कितनी आसान एक्सरसाइज है। आप सोचिए अगर आप इस एक्सरसाइज को दो बार प्रैक्टिस कर लें तो आराम से आप इस सवाल को इजीली करेंगे, और जो बच्चे मैट्रिक में इसको अच्छा सा करेंगे उनको फर्स्ट ईयर में फायदा होगा, फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी खासी ट्रिग्नोमेट्री मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, अब देखो कितने आराम से करोगे, ये इस तरह के एग्जाम में सवाल आए हुए भी थे, ठीक है। अब तो आप न्यू बुक आई है तो आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन ये पुरानी बुक के सवाल देखिए कैसा लग रहा है, कौन सी साइड लो, कौन सी कुछ सोचे, हाँ भाई लेफ्ट साइड लो ना, देखें और लेफ्ट साइड लेने का कितनी मुश्किल सी भयानक सी लग रही है, ऑर्डर लग रही है, लेकिन देखें इसकी सीरत बड़ी अच्छी है, ठीक है। लेफ्ट साइड ले ली, मुझे sec के बराबर लाना है, ओहो ये क्या है न्यूमरेटर, ये क्या डेनोमिनेटर, ये क्या है डेनोमिनेटर, नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लो वन होता है, ठीक है ना, चले शो नहीं करा रहे ताकि आप कंफ्यूज हो। अब बताओ क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा, साइन नीचे कॉस है और इसके नीचे वन है, तो ऑफकोर्स एलसीएम क्या निकलेगा कॉस थीटा निकलेगा। अब सुनो अब इसको फोकस करो, कॉस से कॉस की लड़ाई करवाओ क्या बचेगा वन, जब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा वन, सिर्फ ब्रेन में कराना है इमेजिन करना है करामत देना, तो कॉस से कॉस क्या हो गया कट गया क्या आ गया वन आ गया, वन किससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाएगा, ऊपर किससे कौन नजर आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो वन को साइन स्क्वायर थीटा से कराओगे स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा ही तो आएगा, वन तो बोलता है भाई जो हो ही रहो मुझे क्या करना इधर आ जाओ, कुछ नहीं तो क्या होता है वन होता है, सपोज कर रहा है इमेजिन वन के, वन को कॉस से मुकाबला कराओ तो वन के अंदर ये काबिलियत नहीं होती, बोलता है भाई जो हो वही आ जाओ, तो कॉस थीटा जो वन से मुकाबला करेगा तो ये कब्जा कर लेगा इस जगह पे, कॉस थीटा ऊपर आ गया, कॉस थीटा वन जा कॉस थीटा हो गया। अब इस कॉस को ऊपर लेके जाओ, इस दोबारा कॉस है दोनों बहन भाई मिल गए तो पावर इनकी बढ़ जाएगी, तो इसलिए बोलता है यूनाइटेड होने से पावर बढ़ जाती है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ओहो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ इसके बराबर है बिल्कुल, तो ऊपर क्या आ गया वन आ गया, नीचे कौन है कॉस थीटा, ओहो वन अपॉन कॉस किसके बराबर है वन अपॉन कॉस बराबर है sec के, सर ये तो बड़ा जबरदस्त सवाल लग रहा है, जी हाँ एग्जाम में भी आ चुका है, क्या बराबर हो गया ये हो गया प्रूफ, PRV हो गई आंसर की जगह हम क्या लिखेंगे प्रूफ लिखेंगे, मजा आया स्टूडेंट। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही है
आपको मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहे हैं, तो उन स्टूडेंट को जरूर शेयर कीजिए जो बच्चे जो है वो खासतौर पर इंस्टीट्यूट नहीं जाते पढ़ने के लिए, और बल्कि जो जाते उनको भी जरूर शेयर कीजिएगा, दोनों को कीजिएगा, सबका फायदा होना चाहिए। ठीक है, आए नंबर 9 की तरफ स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर स्टूडेंट क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक्स है वो आपको मैं पहले बता दूं, ये जो बुक न्यू आई है और ये आने वाले वक्त के अंदर शायद इसका करेक्शन कर देंगे बुक को, लेकिन मैंने पहले क्लियर कर दिया कि जो सवाल दिए हुए बुक के अंदर आपका 9 रॉन्ग है। ठीक है जी, तो सही क्वेश्चन ये है, sec थीटा माइनस cos थीटा, जो प्रीवियस जो बुक थी ना उसी में से उठाया था, लेकिन इन्होंने रॉन्ग कर दिया, तो ये सही करके लिख दिया मैंने, तो हमारा सवाल जो सही वाला है वो ये वाला सवाल है, तो ये ऊपर वाले को भूल जाए, इसको याद रखें। अच्छा जी, कौन सी साइड लेनी है बेटा बताएं, लेफ्ट हैंड साइड ले राइट, सर दोनों साइड ही बड़ी लग रही है, बराबर लग रही है, इससे भी cos इस पे भी साइन है, दोनों में बराबर है, लैंग्वेज है ये, तो भाई अब आपकी मर्जी, आप जो साइड ले लें, लेफ्ट लेनी है या राइट लेनी है, जो दिल कर आप ले सकते हैं, आप राइट लेके करेंगे तब भी वही आएगा, प्रूव हो जाएगा, लेफ्ट लेके करेंगे तब भी हो जाएगा, फिलहाल मैंने क्या कर दी, लेफ्ट लेनी, नॉर्मली लेफ्ट ले लेते हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। sec थीटा किसके बराबर होता है बेटा, 1/cos के। ठीक है, तो sec की जगह क्या आ गया, 1/cos आ गया, माइनस cos थीटा आ गया, अब ये फ्रैक्शन में आ गया तो एलसीएम निकलेगा कुछ नहीं, तो इसके अंदर क्या होता है 1 होता है, तो cos थीटा एलसीएम आ गया, cos से cos कैंसिल, क्या बचा, बन गए 1 आ गया, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले 1 से, 1 आ गया, ठीक है याद आ गया, माइनस आ गया 1 से, ये cos नहीं जा सकता, तो ये cos कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, जब ये ऊपर आया तो ऊपर जो और cos न्यूमरेटर में पड़ा हुआ इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, वाला कर देता हूं, 1 से ही cos नहीं जाएगा, तो as it is ही cos ऊपर आ जाएगा, ये वाला cos कहां गया, ऊपर, जब ये ऊपर आ गया तो ऊपर वाली वैल्यू cos सेम है, तो cos और cos स्क्वायर हो जाएंगे, पावर इनकी बढ़ जाएगी, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा के, अगर मैं आपको ये वाला फार्मूला याद करवाऊं, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, याद आया फार्मूला, बताओ अगर मैं इसको यही रहने दूं sin स्क्वायर थीटा को और cos स्क्वायर थीटा को वहां लेके चला जाऊं, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, नहीं आएगा, तो इस एलडी से आप ये वाला फार्मूला भी बना सकते हैं, तो फिलहाल sin स्क्वायर थीटा याद कर लें, किसके बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के, तो sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया बेटा, sin स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, ये लिखा हुआ फार्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा सेम था, ये किसके बराबर है साइन स्क्वायर के, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, और ये cos थीटा अपनी जगह आ गया। अच्छा जी, अब क्या अगर मैं साइन कितने हैं 2 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 साइन है। अच्छा, ये डॉट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, आपको पता है एक्स डॉट एक्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, इस तरह से अगर लिखा हुआ है ए स्क्वायर लिखा हुआ, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए डॉट ए लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर लिखा तो कैसे लिख सकता हूँ, एक्स डॉट एक्स लिख सकता हूँ, इस तरह साइन स्क्वायर थीटा लिखा तो कैसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा और साइन थीटा दो बार लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा को दो बार लिख दिया, साइन थीटा डॉट साइन थीटा। ठीक है, क्यों लिखा है पता लग जाएगा। अच्छा, एक साइन के नीचे क्या आ गया, कॉस आ गया, और इस वाले के नीचे कुछ नहीं तो बने। ठीक है, छोड़ दे, अब साइन और कॉन कॉस किसके बराबर होता है, टेन के बराबर होता है, हमने इसी जगह लगा दिया टेन थीटा लगा दिया, और साइन को हमने एज इट इज रहने दिया। अब ये देखें और कौन साइड थी, ये देखें दोनों क्या हो गई, हमारी इक्वल हो गई, तो हमने क्या लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसकी होगी बेटा, राइट साइड की, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नंबर 10 की तरफ। तो स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, 10 बड़ा इजी है और करना ही है स्टूडेंट, ये cot theta का फॉर्मूला क्या है, cot theta का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, cos upon sin, यहां पे लगा दें आप cos theta upon sin theta plus। अच्छा जी, तो अच्छा मैं आपको बताना भूल गया, ये जो लेफ्ट साइड है इसको हमने ले ली, ये राइट साइड है इसको, जो बड़ी साइड होती है वो ली जाती है, मैंने बड़ी साइड थी वो ले ली रेफरेंस साइड, व्हिच कोई पुरानी वाली बात। अच्छा जी, वही वाली बात, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का 1/sin साइन होता है, तो ये क्या आ गया 1/ ये साइन थीटा आ गया। अच्छा, ये जो लाइन है ये मैं बड़ी सी थोड़ी कर देता ताकि आपको आसानी नजर आ जाए। ठीक है, अब नीचे आ रही है, साइन थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको छोड़ दिया, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा tan थीटा का sin / cos, तो ये आ गया sin थीटा / cos थीटा। ठीक है, ये आ गए, अब और सुनिएगा, इस लाइन के ऊपर बस अभी फोकस करें आप, ऊपर क्या एलसीएम निकल रहा है, निकल रहा, तो ऊपर एलसीएम क्या निकला स्टूडेंट, साइन थीटा निकल गया। ठीक है जी, साइन थीटा बस इनको फोकस कीजिएगा। ठीक है, ये साइन थीटा एलसीएम आ गया, साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा cos थीटा आ गया, प्लस साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा 1, ये आ गया 1, ये ऊपर ऊपर हो गया, अरे नीचे आ गए, अब नीचे फोकस कीजिएगा, नीचे क्या एलसीएम आ रहा है स्टूडेंट, cos से यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो cos एलसीएम आ गया। ठीक है जी, अब कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 cos का cos, तो यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा ये cos आ गया ऊपर, अभी cos किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाली वैल्यू sin से, ये sin थीटा इसके साथ आ गया। ठीक है जी, एलसीएम वही, अगर एलसीएम की वीडियो मैंने आपको बताया, फ्रैक्शन की मैंने बताई है, सारे इन्फो लिखे और एलसीएम वो फ्रैक्शन डाल दे तो वीडियो आ जाएगी एलसीएम की, तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर आ जाए, cos से cos गया 1 बचा, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा sin से,
ये आगे साइन थीटा होगी। इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, आसान हो जाएगी। एलसीएम आपको निकालना बहुत जरूरी है। आप सुने, यू डिवाइड, ये लाइन किसकी डिवाइड की है, ठीक है। मैं डिवाइड को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है जी, मैं डिवाइड को ऐसे लिख सकता हूँ। थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं रुकूंगा थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये आगे ये जो डिवाइड की लाइन है, मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता? तो आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है जी, अपॉन, थोड़ा सवाल करने में आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको क्या करा, ऐसे लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊंगा, आप इसको स्क्रीन शॉट भी ले लें, तो ठीक है। मैंने इसको मिटा दिए, अब मैं आप यहाँ से गौर कर ले दोबारा। अब इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा। अच्छी डिवाइड हो रहा है, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी हमेशा, ये मैथ का उसूल। और नीचे कौन है, साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये आगे वैल्यूज है। अच्छा जी, एक काम और कर लेते हैं, इसको हम एज इट इज लिखते हैं। अच्छा, इस तरह के सवाल एग्जाम में अक्सर वो पूछ लेता है, तो इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से इंशाल्लाह आपका बिल्कुल ये परफेक्ट हो जाएगा। बताइए इसमें कुछ कॉमन, कितनी टर्म है, एक और एक दो, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया, इसमें से साइन जब बाहर आ गया तो इस वाली टर्म में क्या बचा, कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा आ गया प्लस, ये पूरा बाहर निकल चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा, वन, ठीक है जी। अब ऊपर ऊपर देखेंगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे नीचे ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ऊपर नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई लगा। तो कॉस थीटा प्लस वन और कॉस थीटा प्लस वन, ये आपस में क्या होगा, कैंसिल हो, ठीक है जी। मैंने प्रूफ मिटा दिए, चले वो देख लूंगा थोड़ी देर में। अच्छा, अब क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, वन अपॉन साइन थीटा बचा, और यहाँ पे बचा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने सवाल मिटा दिए, थोड़ा मैं देख लूँ बोलिए प्रूफ क्या करना है, और थोड़ा इसको अब जो तक स्क्रीन शॉट ले लें, ठीक है बेटा, ये आ गया मैं तो वापिस। तो ये प्रूफ करना था, आपके पास सवाल लिखा हुआ होगा, कॉस एक थीटा कॉट थीटा, इसको प्रूफ करना था। अब बताए वन अपॉन साइन थीटा किसके बराबर है बेटा, वन अपॉन साइन थीटा कॉसेक के बराबर है, तो इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, कॉसेक, ये थीटा आ गया, और कॉस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कॉट के, तो ये कॉट आ गया। मल्टीप्लाई ना डालो तब भी, मैंने आपको बताया हुआ, जब मल्टीप्लाई नहीं डालते तो आपस में क्या हो रहे थे, कि मल्टीप्लाई ही हो रहे होते हैं। तो कॉसेक थीटा कॉट थीटा ये हमें चाहिए था, तो लिख देंगे, प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट बना लें, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट नंबर 11 पर आते हैं, और होपफुली बड़ा सिंपल से सवाल है, ये बड़ा सिंपल से इसको करते हैं। आप बताएं कौन सी साइड लेंगे, बताएं राइट हैंड साइड लेंगे, लेंथ में ज्यादा है, डेली में राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेने के बाद मैंने क्या करा, टेन स्क्वायर थीटा को एज इट लिखा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मुला याद करना बहुत जरूरी है, आपने वादे किए फॉर्मुला जरूर याद करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। इसकी जगह मैंने क्या डाल दिया बेटा, सेक स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं फॉर्मुला लगाऊंगा, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं इस डिवाइड को जरा अलग करना चाह रहा हूं। मुझे आप बताएं टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा साइन अपॉन कॉस के होता है। तो आप पहले स्टेप में भी लगा सकते थे और ये वाले स्टेप में भी लगा सकते हैं, मैं थोड़ा सा कंजेस्टेड ना हो इसलिए मैंने इसको इस वाले स्टेप में लगाया सेकंड में। अच्छा, ये लाइन किसको शो कर रही, डिवाइड को, फिर मैंने डिवाइड कर दिया और सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह कर दिया, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला थोड़ा अलग अगले स्टेप में लगाया ताकि थोड़ा सा आपको खुला खुला नजर आए। आप यहाँ लगाना चाहे लगा लीजिएगा, ये तीन स्टेप हो जाएंगे, इसलिए मैं बिल्डिंग तैयार नहीं करना चाह रहा था, या तब हो गया। अब डिवाइड को चेंज कर ले स्टूडेंट, बताएं, सोचे इतनी प्रैक्टिस हुई होगी थोड़ी, तो मल्टीप्लाई हो गया। तो ये अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, काम करें भी छोड़ दी इसको, ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर था वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के, तो ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के हो गया, ठीक है जी। अब डिवाइड को हम चेंज कर लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, तो कॉस थीटा कहाँ गया, स्क्वायर ऊपर आ गया, नीचे का बचा वन, नीचे का वन शो नहीं करते, ठीक है, ये हो गया। तो ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे ऊपर क्या डिवाइड हो रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो अब लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बहुत सिंपल से सवाल आते हैं, जो अपने आराम से सॉल्व कर लीजिए, ले लें इसका स्क्रीनशॉट, आए नंबर 12 की तरफ। तो स्टूडेंट आ जाए जरा 12 की तरफ। जी यहाँ पे ना प्रूफ लिखा करें, प्रूफ, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि तो सिंगल है, ये बड़ी है तो डिफिकल्ट है लाइन, तो उसको लेंगे, अब तो आपको याद हो गई होंगी चीजें। अच्छा जी, बिल्कुल वैसे सवाल है 11 की तरह का, बस यहाँ कॉर्ड आ गया, तो वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉर्ड स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं इसको अगले स्टेप में खोलूंगा ताकि कंजेस्टेड ना हो। अच्छा, वन प्लस कॉर्ड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के होता है, तो हम लिख देते कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो वन प्लस की जगह यह आ गया, अच्छा इसको कॉर्ड स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। ये डिवाइड की लाइन है, तो मैं इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, कॉसेक की जगह यहाँ लिख देता हूँ, डिवाइड की जगह चले कॉसेक ही लिख देता हूँ फिलहाल, क्या कंफ्यूज ना हो, ये आ गया।
तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड है, ये कॉसिक बराबर हो गया वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के। डिवाइड को हम चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट, तो डिवाइड जब मल्टीप्लाई में होगा तो नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी आइडेंटिटी, ऊपर आ गया वह नीचे आ गया, वन शो नहीं करते, तो स्क्वायर भी है तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, सिंपल से सवाल आते हैं आपको प्रैक्टिस एंड में आकर हो रही होगी कि हाँ भाई थोड़ा आसान सवाल है, हालांकि ये इतने मुश्किल नहीं है जो शक्ल से दिख रहे थे। चले आए नेक्स्ट आखिरी सवाल की तरफ, 13 की तरफ। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी 13 क्वेश्चन को, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसके अंदर कितना आसान है, ये भरपूर उन्होंने भरकर दे दिया, इतना सारा भर के दे दिया, तो खुद ही अब तो पहचान गए होंगे कि कौन सी वाली साइड लेनी है, हमने लेनी है लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि बहुत जो लेंथी हो वही साइड लेते हैं, तो हमने लेफ्ट लिख ली। अच्छा जी, अब इसका क्या करें भाई, इतनी लंबी चौड़ी कहानी। देखिए भाई सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, इसे कॉमन भी ले सकते हैं तो कॉमन से भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। इस सवाल को जब एग्जाम में आप देखें तो क्या करिएगा, इन दोनों बहन भाई ना साइन टेन और कॉट इनको फोकस करिएगा, और ये साइन और कॉस होते हैं इनको मत छेड़ा करें, इनको नहीं छेड़िएगा, ठीक है। तो बताए टेन का फॉर्मूला हम लगा देते हैं, काम करते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, तो एजिट इज द टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ब्रैकेट में डाल देता हूं, थोड़ा सा अलग नजर आएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैसे लिखते हैं, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैकेट में डाल दें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब मुझे बताएं ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई आ रहे हैं और नीचे नीचे डिवाइड हो रहे हैं, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है, इससे sin थीटा और sin थीटा से कैंसिल हो गया। अब बचा हुआ है sin और sin, तो sin दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो sin स्क्वायर थीटा हो गया, cos और cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं ठीक है cos स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा जी ये cos sin स्क्वायर थीटा, अच्छा बीच में प्लस भी है तो ये प्लस भी आ गया, ठीक है। बताएं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के होता है, वन ही प्रूफ आराम से। तो ये एक इजी तरीके से मैंने आपको सिंपल मेथड करा दिया, अगर एग्जाम में तो आप इस मेथड से करिएगा, इजीली होगा। हमें प्रूफ करना तो हमने प्रूफ कर लिया बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, टाइम निकाला जाता है, कोचिंग के अंदर अलग पढ़ाना है और वीडियो में अलग पढ़ाना होता है, तो आपकी अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। आप लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने स्कूल के दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स पे जो फ्रेंड्स है उनको जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दो में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।